The question is, prove that the radius of the right circular cylinder of greatest curved surface which can be inscribed in a given cone is half of that of cone. हमें देखो यहाँ पर क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, कि सिलेंडर की जो रेडियस है इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कॉन, वो कॉन की हाफ हो गई, कौन से कॉन की, जिसके अंदर जो ये सिलेंडर है वो इंस्क्राइब्ड है, राइट। और ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमें मैक्सिमाइज करना है, हमें मैक्सिमम प्रूव करना है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को, ठीक है। किसके कर्व्ड सरफेस एरिया को, सिलेंडर के, सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है एक कॉन के अंदर। और यहाँ पर अब हमें गिवन क्या है, अब उसने यहाँ पर लिखा है विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कॉन। गिवन कॉन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो कॉन है उसकी रेडियस हाइट वो सब फिक्स्ड है, वो गिवन है हमें, ठीक है। तो मतलब वो फिक्स्ड है तो मीन्स वो कॉन्स्टेंट है, राइट। तो हमें मैक्सिमाइज करना है कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्रूव करना है कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर की रेडियस है वो हाफ है कोन की रेडियस की, ठीक है। तो सबसे पहले इसके हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास कोन है, राइट सर्कुलर कोन, और हमें सिलेंडर लेना है जो कि इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो इस टाइप से हम सिलेंडर बना सकते हैं जो कि इस कॉन के अंदर है, ठीक है। या हमने ये लाइन ड्रॉ की जो कि ये शो कर रही है कि ये दो हमारे पास पैरेलल है, मीन्स ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो दोनों साइड्स जो हैं ये पैरेलल हो जाएंगे। नेमिंग कर लेते हैं इनकी। सपोज ये है हमारे पास जो कोण है वो है ABC, ये सेंटर हमने सपोज कर लिया इसका O, इस पॉइंट को हमने ले लिया D, और मान लो ये हमारे पास E, राइट। सिलेंडर की रेडियस हमने सपोज कर ली R, स्मॉल R, और हाइट ले ली हमने इसकी स्मॉल H, ठीक है। और जो कोन है उसकी हमने सपोज कर ली कैपिटल H एंड कैपिटल R, और ये हमें गिवन है, मीन्स ये R और ये H जो है वो कांस्टेंट है, कि R और H ये हमारे वेरिएबल है, ठीक है। हमें इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, CSA ऑफ सिलेंडर, वो होता है हमारे पास 2πRH, तो इसे हमें करना है मैक्सिमाइज, और ये है हमारे पास टू वेरिएबल्स में। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, जिसे हमें मैक्सिमाइज करना होता है वो हमारे पास फंक्शन एक वेरिएबल में होना चाहिए तभी आप उसका डेरिवेटिव करोगे। तो अभी अगर यहाँ टू वेरिएबल्स में है तो आप डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो हमें R और H में से किसी एक को कन्वर्ट करना होगा दूसरे की टर्म में। तो अभी ये जो रिलेशन है वो हम कहाँ से बना सकते हैं, जो चीज़ें हमें यहाँ पर अब गिवन है हम वहाँ से इन दोनों में कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले आप सब मेंशन कर दीजिए, लेट R एंड H बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, एंड लेट R एंड H, कैपिटल H, बी द रेडियस एंड सिलेंडर, सॉरी रेडियस एंड हाइट ऑफ कॉन, राइट। तो अब देखो यहाँ पर हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि ये टू ट्रायंगल्स बन रही हैं, ADE एंड AOC, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हो सकती हैं। सिमिलर कैसे हो सकती हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, दोनों में सेम रहेगा, और ये एंगल जो है वो दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमारे पास ADE और AOC दोनों सिमिलर होंगी। सो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल AOC, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये हम लिखेंगे कॉमन है, एंड एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल AOC है, ये हमारे पास क्या है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। Therefore, by AA, triangle ADA is similar to triangle AOC. अब इसका फ़ायदा क्या होगा हमें, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स हैं उनका रेशो हमारे पास इक्वल होगा।
तो देखो हमें हाइट और रेडियस में रिलेशन बनाना है, तो यहाँ से हम हाइट और रेडियस वाले साइड्स का ही रेशियो लेंगे। तो क्या लेंगे यहाँ पर, ए डी अपॉन ए ओ, डी ई अपॉन ओ सी। तो हमारे पास जो इनकी वैल्यूज है वो पुट करते हैं। ए डी, देखो ए डी कैसे फाइंड कर लेंगे हम, ये ए ओ जो है वो एच है, कैपिटल एच, और डी से ओ तक की लेंथ एच है, तो ये लेंथ हमारे पास क्या बचेगी, एच माइनस एच, राइट। और ये जो डी ई है वो भी कैसे फाइंड करोगे आप, ये डी ई जो है वो हम फाइंड कर लेंगे आर माइनस ऑफ आर, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास ये स्मॉल आर चल रही है, ये तो हमने सपोज कर रखी है, सॉरी। तो ए डी एच माइनस ऑफ एच, ए ओ कैपिटल एच, डी ई स्मॉल आर, और ये हमारे पास कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ से हम स्मॉल एच या फिर स्मॉल आर किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो हम यूज़ कर लेंगे इसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर एच माइनस ऑफ आर एच इज इक्वल टू आर इंटू एच। तो यहाँ से मैं फाइंड कर रही हूँ स्मॉल एच की वैल्यू, आर एच माइनस ऑफ आर एच इज इक्वल टू कैपिटल आर है और ये एच, इसे हम राइट हैंड साइड पे ले आएँ, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अब इस एच को हम ले आएंगे डिवाइड में, आर एच माइनस ऑफ आर एच डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू एच। तो अब इसका यूज़ करेंगे हम किसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया में। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, इसे हम डिनोट कर लेते हैं, सरफेस एरिया को एस से डिनोट कर लेते हैं, 2πR, और एच की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, आर एच माइनस आर एच अपॉन आर, राइट। तो यहाँ से इस आर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2π। अच्छा, यहाँ से कैपिटल एच कॉमन भी आ रहा है, वो भी ले लेते हैं। आर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आर माइनस ऑफ आर स्क्वेयर, राइट। तो अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव, नाउ डी एस अपॉन डी आर, बाकी सब इसमें कांस्टेंट है, कैपिटल आर कैपिटल एच, क्योंकि वो गिवन कौन था। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव, आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये आर बचेगा, और यहाँ से हमारे पास है 2 आर। नाउ अब वैल्यूज फाइंड करने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमें डेरिवेटिव को रखना इक्वल टू 0, मीन्स 2πH अपॉन आर, आर माइनस ऑफ 2R इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो R माइनस ऑफ 2R इज इक्वल्स टू 0, मीन्स यहाँ से R इज इक्वल्स टू 2R आ गया, इट मीन्स R इज इक्वल टू R बाय 2। देखो रेडियस तो हमारे पास हाफ आ चुकी है, तो अब बस इसे हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट प्रूव करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा इसका डबल डेरिवेटिव, या हम यूज़ करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो 2πH अपॉन आर, ये तो कॉन्स्टेंट था हमारे पास, और आर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और माइनस ऑफ 2R का डेरिवेटिव -2 बचेगा, यानी कि -4πH अपॉन आर। तो देखो इसके अंदर अब आर तो बचा नहीं जिसमें इसकी हम वैल्यू पुट करें। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि इसमें हम आर की वैल्यू पुट करते, आर अपॉन 2, बट ये इसमें आर नहीं है तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने वाला, यही रहेगा, विच इज़ नेगेटिव। नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम हो गया एट आर इज इक्वल टू आर अपॉन 2। तो दोनों चीज़ें होगी हमारे पास कि मैक्सिमम भी प्रूव हो गया, और जो रेडियस है हमारे पास सिलेंडर की वो कोन की हाफ आ चुकी है। देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन, राइट। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।